हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो में एक डीआई करी थी जो मेंस लेवल की थी, जो कि हमारा एसबीआई क्लरिकल का जो मेंस का जो पेपर है, हमारा मेंस का जो टेस्ट है वो आने वाला है, तो उसी के लिए हम अपनी वीडियोस को कर रहे हैं। आगे आज एक और डीआई करेंगे। पहले हमने एक डीआई की थी जो कि टाइम एंड वर्क पे थी। आज की डीआई आप खुद ही देख लीजिएगा कितनी अच्छी और पाइप एंड कार्टेशियन पे हमारी जो डीआई है वो आपको कैसी लगेगी, आप अपने कमेंट बॉक्स में बताना। चलो मेंस लेवल की डीआई स्टार्ट करते हैं, ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए। चलो मिलके पढ़ते हैं। अब द गिवन लाइन शोज टाइम इन हवर्स, टाइम टेकन बाय फाइव डिफरेंट पाइप्स, पांच डिफरेंट पाइप हैं, टू फिल अ टैंक एम अलोन। एक टैंक एम है, उसको अलोन पूरे को अलग अलग पाइप, खुद अकेली पाइप भरने में कितना टाइम लग रहा है वो हमें बताया गया है। ठीक है, जो लाइन है वो शो कर रही है। लाइन अभी आपको ग्राफ दिखेगा तो उसमें आपको लाइंस, आपको जो पॉइंट्स हैं उस लाइन के पॉइंट्स के माध्यम से आप लोगों को समझ आएगा। अब आगे पढ़ते हैं। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ऑल फाइव पाइप्स रिमेन सेम थ्रू आउट एनी सिचुएशन, स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अभी हम अपना डायग्राम देख लेते हैं जो हमें ग्राफ दिया गया है। देखो ये हमारा ग्राफ है, पांच पाइप दी गई है, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। और उसके बाद हमें ये जो लाइन है, इस लाइन पे ये डाटा दिया गया है। इस डाटा के अंदर क्या दिया गया है कि ये जो पी है वो 60 हवर्स लेती है, 60 घंटे लेती है एक एम टैंक को भरने में। वहीं पे क्यू अकेली 40 घंटे लेती है, आर 45, एस 32 और टी 48 घंटे लेती है किसी एम टैंक को भरने में। तो अब यहां पर ये जो हमारी डीआई है, इससे आप लोग क्या समझ सकते हैं, क्या समझ में आ रहा है कि हमें टाइम दिया गया है जो कि एक कंटेनर एम है उसको भरने का, कितनी पाइपों के द्वारा, पांच पाइपों के द्वारा। तो हम इनकी एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, हमें टाइम तो दे दिया है, हमें अगर एफिशिएंसी भी मालूम हो जाए, इन्होंने बोला है कि जो रेशियो एफिशिएंसी का वो सेम रहेगा जहां भी ये काम करेंगी, तो अगर हमें एफिशिएंसी की रेशियो और मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन कितने आसान हो जाएंगे, कितने आसानी से हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं अगर आगे कोई भी क्वेश्चन होगा तो। सबसे पहले हम क्या लेते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, आप सभी, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को पता होगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं, फिर भी एक बार आपको बता देता हूं कि इन सब का एलसीएम कैसे लेंगे। 60 × 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। या फिर एक मेन चीज होती है एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कि ऐसे दो चीज आप यहां पे ढूंढ लो जो आपस में कटी नहीं रहे, जैसे 45 और 32 है, इनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है वन के अलावा। तो हम क्या कर देते हैं, 45 को 32 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई से ये सब वैल्यूज कट रही होंगी तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों, ये दोनों आपस में तो कट नहीं रहे किसी भी वैल्यू से। तो यहां से देखते हैं, जब हम 45 दूनी करते हैं तो 90, 0, 9, 45 दिया 135 और 9 144, तो 1440 हमारा एलसीएम आ गया। अब 1440 इससे कट जाएगा, बिल्कुल 6 से कट जाएगा 144, 4 से भी कट जाएगा 144, 48 से भी कट जाएगा, 48 पे लगभग, हाँ 30 पे कटेगा, ठीक है। अभी हमने एलसीएम लिया, अब एलसीएम ले लिया हमने तो हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि हमें डे दिया, थोड़ी आवर दिया गया है, आवर को हम एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कब आती है, जब टोटल क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो हमारी एक दिन की एफिशिएंसी निकल के आती है। तो वही एफिशिएंसी हमने निकालनी है पर हवर की, कि एक घंटे में ये पाइप कितना पानी भर देते हैं। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे नीचे आप लोगों को ये दिया गया है, देखो अब यहाँ पे टाइम दे दिया गया है आपको, पी का टाइम 60 है, क्यू का 40, आर का 45, एस का 32 और टी का 48। और यहाँ पे क्या दिया गया है आप लोगों को, यहाँ पे दिया गया है एलसीएम। अब एलसीएम को जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो 60 से जब डिवाइड करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, अब 6 से काटेंगे तो 6 × 12 24, 6 × 24 तो 24 हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी।
अब यहाँ पे देखो ये 40 घंटे में भर देता है, टोटल क्वांटिटी इसको भरनी 1440, तो जीरो से जीरो कट गई 144 को, जब 4 से डिवाइड करेंगे 4 तीय 12, 24 4 छिक 24, तो 36 आ गया, 36 इसकी एफिशिएंसी होगी। ऐसे ही आर की निकालेंगे 45, जहां हमें पता है कि 45 और 32 की मल्टीप्लाई करके ये आया था, तो इसको 45 से जब डिवाइड करेंगे तो 32 ही आएगा, तो 32 इसकी एफिशिएंसी आ गई। उसके बाद में 32 से जब ये डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 45 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब हमें जो पाइप टी है वो 48 आवर्स में भर देता है एम टैंक को, और एम टैंक की कैपेसिटी 1440, तो 1440 को जब हम 48 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा, तो क्या आएगा, 30। ठीक है, अब ये 30 एफिशिएंसी, हमारी एफिशिएंसी भी आ गई, हमारे पास टाइम भी दे रखा है और हमारे पास ये क्वांटिटी भी है। अगर हमें कहीं भी एफिशिएंसी यूज करनी होगी तो यही वाली एफिशिएंसी यूज करेंगे, क्योंकि हमें ऊपर बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि वही एफिशिएंसी की रेशियो हमें लेनी है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आपके पास 2 मिनट है, एक बार इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या हमें दे रखा है और क्या क्या हमें निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, एक बार विजुअलाइज करिए अपने। चलो अब इस क्वेश्चन को साथ मिलके करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या हमें दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है ऑल 5 पाइप स्टार्टेड फिलिंग टैंक जेड, एक टैंक जेड दे रखा है यहाँ पे और कह रहा है कि पांचों पाइप वो जो जेड टैंक है उसको फिल करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद एंड पाइप टी क्लोज्ड आफ्टर 12 आवर, तो 12 घंटों के बाद जो पाइप टी है, पाइप टी ने 12 घंटे पानी भरा और उसके बाद वो क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। तो पाइप टी 12 घंटे क्लोज कर दिया गया 12 घंटे के बाद। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, पाइप क्यू एंड आर, पाइप जो क्यू और आर है, फिल सेम अमाउंट ऑफ टैंक, जो क्यू और आर है, जो क्यू है और आर है, ये दोनों टैप सेम अमाउंट ऑफ वाटर भर रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ टैंक भर रहे हैं, मतलब जितना पानी क्यू भरेगा उतना ही पानी आर भरेगा। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, वाइल पी एंड आर फिल द टैंक फॉर सेम टाइम, जो पी है और आर टैप है वो सेम टाइम के लिए ही भर रहे हैं। देखिए क्यू और जो आर है वो सेम क्वांटिटी भर रहे हैं, पर जो पी और आर है वो सेम टाइम के लिए भर रहे हैं, तो डिफरेंस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे क्या बोल रहा है, एस फिल द टैंक फॉर ए हवर, जो एस है, एस जो टैप है, एस जो पाइप है, वो 1 घंटे के लिए टैंक को भर रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, इफ यदि पी क्यू टी टूगेदर कैन फिल द टैंक जेड इन 25 आवर्स, तो हमें ये दे दिया गया है कि अगर पी क्यू टी साथ मिलके 25 घंटे में टैंक भर देते हैं, कितने घंटे में भर देते हैं, 25 घंटे में, कौन कौन, पी क्यू टी, तो यहां से पी क्यू टी की एफिशिएंसी है हमारे पास
टाइम इन्होंने दे दिया कि इतने टाइम में भर देते हैं, तो एफिशिएंसी इन टू टाइम क्या हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी जितनी भी टैंक जेड में भरी जानी है वो हमारे पास आ जाएगी। इसका मतलब टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, हमें उसके अंदर जेड के अंदर इतना पानी भरना है, तो हम निकाल सकते हैं अब टोटल क्वांटिटी आने के बाद। तो अब आगे क्या दिया हुआ है, एंड क्यू फिल द टैंक फॉर 16 आवर, जो हमारा क्यू है वो 16 घंटे के लिए टैंक भरता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा टी है वो 12 घंटे के लिए, अब क्यू हमारा 16 घंटे के लिए, तो टी और क्यू का टाइमिंग तो हमें पता चल गया, और टी और क्यू की हमें एफिशिएंसी भी पता है कितनी कितनी है। टी की एफिशिएंसी 30 है और क्यू की एफिशिएंसी 36 है, तो 36 और 30 की एफिशिएंसी से ये 12 घंटों के लिए टी और क्यू हमारा 16 घंटों के लिए भरेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो देखिए जो हमारा टी है टी कितने घंटों के लिए भरेगा, 12 घंटों के लिए। टी की एफिशिएंसी कितनी है ये देखो, एफिशिएंसी मैंने यहां लिख ली है ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, ये पिछले पेज से हमने यहां उतार ली। तो टी की एफिशिएंसी कितनी है, 30 है, तो 12 घंटों के लिए 30 की एफिशिएंसी से कितना पानी भर देगा, 360 यूनिट। अब हमें क्यू का पता है कि क्यू कितना पानी भर देगा, क्यू कितने घंटे के लिए भरेगा, 16 घंटों के लिए, कितने की एफिशिएंसी से, क्यू की एफिशिएंसी याद ही गई है 36, तो 16 × 36 कितना हो जाएगा, 16 × 96, 16 × 3 = 48, 48 × 9 = 57। तो क्यू 576 क्वांटिटी भर देगा। अब हमें क्या चीज देखनी है, हमें ये चीज देखनी है कि हमें ये दिया गया था यहाँ पे कि इफ पी क्यू टी टूगेदर कैन फिल ए टैंक इन 25 आवर। तो पी क्यू टी की जो हमारा पी है उसके साथ में क्यू है उसके साथ में टी है, इन तीनों की एफिशिएंसी को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, हमें कितनी भरनी है। तो सबसे पहले पी की एफिशिएंसी कितनी है, 24, क्यू की कितनी है, 36, टी की कितनी है, 30, तो 24 × 36 = 60 और 30 = 90, तो 90 की एफिशिएंसी से 25 घंटे चलेगी, तो टोटल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 25 × 225 = 0, टोटल क्वांटिटी इतनी आ जाएगी, ये टोटल क्वांटिटी आ गई हमारी, इतना हमें भरना है, टोटल क्वांटिटी आ गई इतना हमें भरना है। अब हमें पता चल गया कि हमने टी से इतना भर दिया, क्यू से इतना भर दिया, और हमें एक चीज और बताई गई थी, आप लोग देखिए कि क्यू एंड आर कैन फिल सेम अमाउंट ऑफ टैंक, तो क्यू का जितनी क्वांटिटी क्यू भरेगा उतनी ही आर भरेगा, तो क्यू की क्वांटिटी तो हमें पता चल गई 576 है, तो आर भी कितनी क्वांटिटी भरेगा, आर भी हमारा 576 क्वांटिटी भरेगा, ठीक है, आर भी हमारा 576 क्वांटिटी भरेगा। अब उसके बाद में ये देखो कि हमें आर की भी पता चल गई, एक बात और दी थी हमें, ये दिख रही है आपको कि वाइल पी एंड आर फिल द टैंक फॉर सेम टाइम, जो P और R है वो सेम टाइम के लिए भरेंगे, तो हमें R का टाइमिंग निकालना पड़ेगा यहां से। अगर 576 टोटल क्वांटिटी भरेगा R और R की एफिशिएंसी 32 है, तो 576 / 32 कितना आ जाएगा, 576 / 32 कितना आ जाएगा, 18, ठीक है, 18 आ जाएगा। तो R कितने घंटों के लिए भरेगा, 18 घंटों के लिए, 32 की स्पीड से, तो 18 × 36 = 3 = 18 + 54 = 57, ठीक है, तो R का भी टाइमिंग पता चल गया। इतनी टाइमिंग के लिए P भरेगा, तो P इतनी टाइमिंग के लिए भरेगा, 18 घंटों के लिए भरेगा, P की एफिशिएंसी कितनी है, 24, तो 18 × 24 इसको यहां पे ऐसे लाइन लगा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाएगी अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए 18 × 24 हो जाएगा कितना आएगा, 18 × 72, 7 × 18 = 36, 36 × 7 = 43, तो 432 हमारा पीने भर दिया। तो हमारा चार पाइप के द्वारा टैंक कितना भरा गया वो तो हमें पता चल गया, टोटल क्वांटिटी इतनी है, तो यहां पे कितना भर दिया हमने, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 6 × 6 = 12, 12 × 2 =
14, ठीक है। सात और सात 14, 14 और 6 20, 20 और 3 23, 23, 23 और 1 24, 24 का 4 2, 5 और 3 8, 5 और 5 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19। तो हमारा 1944 तो भर गया। अब इस सबको ऐड करने के बाद कितना आया 1944। अब हमें पता चल गया कि 1944 तो इन्होंने भर दिया, भरना कितना है 225 जीरो 2250, इसमें से हम 1944 हमने भर दिया तो बच कितना गया हमारे पास, कितना बच गया बताओ। तीन सौ छः, तीन सौ छह हमारे पास बच गया। अब ये 306 जो क्वांटिटी है वो किसने भरी है, वो एस ने भरी है क्योंकि इन चारों ने तो भर दी, एस ने भरी है एक घंटे के लिए। तो ए की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो एस ने क्या भरा है, एस ने 306 क्वांटिटी भरी है। एस की एफिशिएंसी 45 की एफिशिएंसी से, अगर इसने 306 क्वांटिटी भरी 45 की एफिशिएंसी से तो एच के घंटे आ जाएंगे, एच के अवर आ जाएंगे। तो कितने अवर में भर दी होगी इन्होंने, 45 कितनी बार जा सकता है देखो, 45 सिक्का कितना होता है, 50 सिक्के 300 होता है, तो 6 से ज्यादा बार तो जाएगा नहीं, 6 बार जाएगा और उसके आगे तीन छत्तीस रिमाइंडर बचने के बाद एक जीरो आ जाएगी, 360, 360 पे कितनी बार जाएगा, 8 बारी, ठीक है 8 बारी। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यही वैल्यू ए की आ जाएगी, ये वैल्यू ए की आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.8, 6.8 हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने देखा कि इस डीआई से हमने कैसे क्वेश्चन निकाला, इतना मुश्किल भी नहीं था ना ही इतनी आसान डीआई थी, बिल्कुल आपके एग्जाम के लेवल की डीआई थी, आपके एग्जाम के मेंस एग्जाम्स के अंदर ऐसी डीआई आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल से होते हुए बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट चेक करती हुई ये डीआई आपके जो आंसर है वो मैच होंगे और आपको नंबर मिल सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेंस लेवल की डीआई लेके आएंगे और ऐसे ही आपकी जो डीआई का लेवल है वो भी हम धीरे धीरे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमने टाइम एंड वर्क की डीआई की, आज इस वीडियो में हमने पाइप एंड टैंक की डीआई कर ली कि टोटल क्वांटिटी कितनी थी, उसमें पाइप कितनी पाइप भर रही थी, 5 पाइप, और उसमें एफिशिएंसी कितनी थी हर एक की। तो एक और नया टैंक लेके हमने उस क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन सोल्व किया, आंसर सोल्व किया, तो क्वेश्चन के मुताबिक जैसे भी हमें दे रखा था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।